तो आज हमारी क्लास में जो है ना, हम ये देख रहे हैं इसके अंदर के रोटेशन टूल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके किस तरह से हम बेहतर किस्म के डिज़ाइंस इस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखें, रोटेशन टूल से पहले हम समझते हैं कि रोटेशन टूल कैसे यूज़ किया जा रहा है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। इस शेप में कलरफिल है और मैं इसको सिलेक्शन टूल लेके, मैं अगर इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर रख के ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ और ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। दोनों तरीके मेरे पास रोटेशन के मौजूद हैं। अंडू कर लेता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो फिर जब मैं रोटेट यहाँ से कर पा रहा था, तो ये वाला टूल क्यों दिया गया है, ठीक है ना। मतलब ये बेसिक रोटेशन कर पा रहे हैं हम, इसमें एडवांस रोटेशन करनी है तो अब हम वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। देखिए, यूजुअली जब हम रोटेशन करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पॉइंट से ही रोटेट हो रहा होता है। ये देखिए, सही है। रोटेशन टूल आपको एक्सेस देता है। अंडू कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया इसको सिलेक्शन टूल से और अब ले लिया रोटेशन टूल। ये देखिए, रोटेट टूल आर से आ जाएगा। ये इसका पेवमेंट पॉइंट है। अब मैं इसको जहाँ रखूँगा वहाँ क्लिक करके मैं जब इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रोटेट करूँगा तो ये उस पॉइंट से रोटेट होगा। लेट सपोज अब मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ तो ये अब इस तरह से रोटेट होगा, और अब मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ तो ये अब इस हिसाब से रोटेट होगा, ठीक है। एक तो ये इसका फंक्शन है। दूसरा, अब मिसाल के तौर पर मैं इस ऑब्जेक्ट अंडू कर लेता हूँ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब रोटेट की बात होती है तो हमें समझना पड़ता है सर्किल को, और जब सर्किल को समझने की बात होती है तो रोटेशन के अंदर हमें पढ़ाया जाता है क्या, रेडियस। कि भाई एक सर्किल का रेडियस क्या होता है, अगर कभी थोड़ा सा पढ़ा हो। गोल चीज़ को नापने के लिए, चकोर चीज़ को तो हम नाप लेते हैं लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम करके, गोल चीज़ को नापने के लिए हम रेडियस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कल हम ये कहेंगे इस शेप की विड्थ है मिसाल के तौर पे 2 इंच और इसकी हाइट है सपोज 8 इंच। इसको कैसे कहेंगे, इसकी विड्थ और हाइट तो है नहीं, तो इसको नापते हैं हम रेडियस में, गोलाई में। मतलब हम यूँ कह सकते हैं ये 10 रेडियस का है। हाउ वुड आई नो ये 10 का है कि नहीं। तो प्रॉपरली सर्किल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्किल पर और यहाँ से हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये बोल रहा है विड्थ और हाइट बता दो इसके अंदर, तो हम यहाँ बता देते हैं 10 बाई 10। ओके कर दिया तो ये एक सर्कल बन गया। अब हम यहाँ पे कहते हैं इसको 100 बाय 100, तो ये एक सर्कल बन गया। और ये हमने कह दिया इसको 200 बाय 200, तो ये एक सर्कल बन गया। तो अगर विड्थ और हाइट किसी भी सर्कल की इक्वल रखी जाए तो उसका साइज निकल आएगा, ये 200 बाय 200 का एक सर्कल है। लेकिन अगर हम सर्कल की बात करें, जैसे घड़ी की कांटों की अगर बात करें, तो उसमें ये होता है कि जब हम बात करते हैं रेडियस की तो हम इसको यहाँ पे एंगल्स में नापते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये ज़ीरो इसका रेडियस है या ज़ीरो एंगल है इसका, और यहाँ से इसको फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री, यहाँ पर आके ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर ये आके हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर आके ये हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पर दोबारा आके ये 360 डिग्री। एक कम्प्लीट सर्किल 360 डिग्री का होता है। ओके, अब इन सर्किल की मैं और 2-4 कॉपी ले लेता हूँ। अब अगर मैं इस सर्किल को यहाँ से पकड़ के इस टूल से और यहाँ क्लिक करके ये वाला इसको डिलीट कर देता हूँ, तो अब ये सर्किल हो गया है कितना, 180 डिग्री का है, ठीक है ना। ये आधा हो गया ना, 90 तो यहाँ था। और अगर मैं इसी सर्किल की एक और कॉपी लेके यहाँ से और इसको यहाँ पर भी डिलीट कर देता हूँ इसको, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, पर ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे तो ये यहाँ पे आके प्लस 90 होगा और यहाँ पर जाएंगे तो ये माइनस 90 होगा। मतलब जैसे घड़ी के कांटे चलेंगे तो वो प्लस पे जाएंगे और घड़ी के कांटों के ऊपर जाएंगे उल्टे अपोजिट तो वो माइनस में होगा। तो ये कहलाएगा काउंटर, सॉरी क्लॉक वाइज CW, और ऐसे जाएंगे तो CCW, मतलब काउंटर क्लॉक वाइज अपोजिट। तो इस तरह से हमने देखा कि सर्किल को ऐसे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं रोटेशन टूल क्या काम करता है। अब जब हम रोटेशन की बात करेंगे तो आप ये देखें, ये भी इसी डिग्री के ऊपर रोटेट करेगा। मतलब अब ये कितने डिग्री पर रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको भी आप समझें। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कलर रख के ओके कर देता हूँ और इसको क्लिक करके यहाँ पे रख लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके रोटेशन से हम इसको यहाँ से मूव करते हैं। तो ये देखें, सर्किल ये हो गया यहाँ पे, बिल्कुल कंप्लीट सर्किल है। अब ये गया 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री, ये 90 डिग्री पे बिल्कुल फ्लैट हो गया, फिर 180 डिग्री पे बिल्कुल फ्लैट हो गया लेकिन उल्टा हो गया, फिर 270 डिग्री पे भी फ्लैट हो गया लेकिन उल्टा है, फिर दोबारा 360 डिग्री पे सीधा हो गया, सही है। तो यही चीज़ आप इस पे रोटेशन टूल पर अप्लाई करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अभी उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ टू बी, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो रोटेशन है ये 30 डिग्री पे रोटेट करे, परफेक्ट 30 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम रोटेशन का पेवमेंट पॉइंट सेट करेंगे। सेंटर से रोटेट करें, यहाँ से रोटेट करें, यहाँ से रोटेट करें, कहाँ से रोटेट करें। सेट करने के बाद ऑल्टर का बटन दबा के रखेंगे और यहाँ पे बीच पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल निकल आएगा। एंगल में आप लिखेंगे कितने डिग्री इसको रोटेट कराना है, 30 डिग्री लिख के जैसे ही ओके करेंगे तो ये मूव हो जाएगा 30 डिग्री पे। अब ये 30 डिग्री पॉजिटिव में मूव हुआ है इस साइड, अंडू कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इस साइड चाह रहा था तो ऑल्टर के साथ हम ये क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद -30 डिग्री लिखेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा कहाँ पे, इस साइड पर, ठीक है। इस तरह 30-60 हमारे पास 0 से लेकर 360 डिग्री है, लेकिन 360 डिग्री घूम के दोबारा वो सीधा हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मूव हुआ है लेकिन ये क्या करे कि ये इसकी डुप्लीकेट करे, क्या करे, डुप्लीकेट। तो ऑल्टर के साथ हम यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम कहेंगे ये -30 डिग्री पे तो घूमे लेकिन ओके करने पे तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, मूव हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने पे मूव तो होगा लेकिन इसकी कॉपी मूव होगी। जैसे ही हम कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी इस तरह से 30 डिग्री पे मूव हो जाएगी। ऑफिस में बैठे, ठीक है, 30 डिग्री पे इसकी कॉपी मूव हो जाएगी। और अगर इसको हम कंट्रोल डी दबाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो ये इस तरह से डुप्लीकेट करता चला जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा अंडू करते हैं और यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे, रोटेशन पे लेंगे और यहाँ से क्लिक करके ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे। अब हम इसको कह रहे हैं कि 60 डिग्री पे रोटेट करो, -60 डिग्री पे। तो -60 डिग्री पे क्लिक किया, कॉपी किया, यहाँ पे रोटेट हो गया डिग्री पे। इस तरह से दो दफ़ा हमने कंट्रोल डी दबाया तो 60-60 डिग्री पे वो उसी चीज़ कमांड को फॉलो करना शुरू हो गया। अब इसी तरह की हम डिफरेंट शेप्स हम इसके ऊपर बना सकते हैं और क्लिक करके यहाँ से हम जाएंगे और ये एक शेप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये शेप हमने बनाया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक किया, इसको कर्व में कन्वर्ट किया, इसको भी यहाँ से कर्व में कन्वर्ट किया, क्लिक करके यहाँ से इसको लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक, अब डिग्री विग्री मुझे नहीं पता लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये ऐसे घूमे और इसमें 5 पत्तियाँ ऐड हो जाएँ। तो उसको हम ये कहते हैं कि ये पेवमेंट पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ऑल्टर के साथ क्लिक करेंगे और हम कहेंगे ये पूरा रोटेशन बनता है 360 डिग्री का, कितने का बनता है, उसको डिवाइड करो, स्लैश का निशान लगाएंगे, डिवाइड, कितनी पत्तियाँ चाहिए, 5। तो 5 पत्तियों को खुद ही स्पेस निकालेगा, कॉपी ले लेंगे और ये कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें कंट्रोल डी करके 5 पत्तियों का इस तरह से एक शेप निकाल देगा। सिमिलरली अब ये पत्ती मैं इसके साथ अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसके साथ, तो मैं इस पत्ती को उठा के डुप्लीकेट यहाँ पर रखूँगा और अब इसके मुताबिक मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो इसको सेलेक्ट करके रोटेशन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके ऑल्टर के साथ इसका सेंटर पॉइंट निकाल के यहाँ पर रख के ऑल्टर के साथ क्लिक करूँगा और 360 डिग्री में मुझे कितनी चाहिए, 6 चाहिए, तो यहाँ से कॉपी करूँगा और कंट्रोल डी करके ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बना लूँगा। और इस तरह से आप रोटेशन टूल को बेहतर तरीके से यूज़ करके इस तरह के कई डिज़ाइंस आप इसमें से निकाल सकते हैं और वो बना सकते हैं। एक और बना लेते हैं फिर आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा इस कमांड को। तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल यूज़ करते हैं, इसको इस तरह से गोल कर देते हैं और क्लिक करके यहाँ से हम लेते हैं, इसको उठा के यहाँ पर रख लेते हैं और क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको उठा के हम डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं कलर, और रोटेशन टूल लेके इसके बेस पॉइंट पे क्लिक करके ऑल्टर के साथ 360 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं हम 10 बार। तो ये 10 लिया मैंने यहाँ से, कॉपी कर दिया, तो कंट्रोल डी, ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट हो गया। सही समझ में आ गया। तो ये है हमारा रोटेशन टूल।